अभी बस ये वाला निशान बचा हुआ है। ये निशान बचा हुआ है। और पहले कहाँ कहाँ पे था हाथ में जी? और कहाँ था पहले हाथ में जी? हाथ में और भी था ना? ये था पोर्शन, इस पर। ये सब पूरा ठीक हो गया? हाँ, ये फिर है जब ये फिर आपने करवाया। बिंदी जैसा वो है और एक बिंदी जैसा यहाँ हुआ तो ठीक हो गया, लगा दिया मरहमत हो। अच्छा हाँ, और यहाँ भी एक बिंदी जैसा हुआ था वो भी ठीक हो गया, देख ले। अब तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है ना। अब एक दो वो एक दो बिंदी जो है आपका यहाँ पर देखो, हाँ है ना, हाँ वो भी धीमा हो गया है, हाँ हल्का हो गया है। जो आपने देखा ये विटलिगो सफ़ेद दाग का वीडियो था जिसे ल्यूकोडर्मा भी कहते हैं, और आपने देखा किस तरह से सारे निशान खत्म हो गए, सिर्फ एक या दो बहुत छोटे से स्पॉट्स बचे हैं, और उम्मीद है कि एक दो महीनों में ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो सफ़ेद दाग के लिए आजकल बहुत सारी नई दवाइयाँ आ गई हैं जिससे कि बहुत जल्दी कलर बनता है, कुछ नए क्रीम्स आ गए हैं, और कुछ स्पेशल इंजेक्शंस वैक्सीन्स भी हम लगाते हैं जिससे कि अंदर से जो ऑटो इम्यून प्रोसेस है वो ख़त्म होता है। विटलिगो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो जो ऑटो इम्यूनिटी की एबनॉर्मेलिटी है, जो वाइट ब्लड सेल्स की एबनॉर्मेलिटी है, ये ब्लड में रहती है, और ये जितनी ज़्यादा रहेगी उतने ज़्यादा नए निशान बनेंगे। तो हम ब्लड लेते हैं और उसे प्रोसेस करते हैं, पेशेंट का ब्लड लेंगे पहले, उसे प्रोसेस करेंगे और उस ऑटो एंटीबॉडी वाले पार्ट को सेपरेट करेंगे और उससे बनाएंगे एक इंजेक्शन, इसे आप विटलिगो वैक्सीन कह सकते हैं। और जब हम इसे बाँह में लगाते हैं और ये हम बूस्टर डोज देते हैं, हर महीने हम इसे बूस्टर डोज देंगे, तो अंदर से इम्यूनिटी डेवलप होती है, कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं जो विटलिगो की इन एंटीबॉडीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि वो फर्दर आगे चल के मेलनोसाइट्स को ना डिस्ट्रॉय कर पाएँ। तो हम इसे कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी अगेंस्ट ऑटो इम्यूनिटी, और ये बहुत चमत्कारी तरीके से काम करता है। जिन लोगों को बहुत सालों से है विटलिगो, उन लोगों का भी डिजीज़ का बढ़ना रुक जाता है और फिर उन्हीं दवाइयों से कलर बनने की स्पीड भी बढ़ जाती है। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर तैलंग क्लिनिक में विजिट कीजिए। हम पहले आपका स्किन टेस्ट करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि कौन सी मेडिसिन आपको ज़्यादा सूट करेंगी, और अगर ज़रूरत होगी तो कुछ इंजेक्शन्स भी होते हैं जो बीमारी को बढ़ने से रोकते हैं, अंदर से ख़त्म करते हैं और जल्दी रीपिगमेंटेशन करते हैं। इसके बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों के स्किन में कलर नहीं आता, तो हमारे पास और भी टेक्निक्स हैं, हम ग्राफ्टिंग के ज़रिए से ठीक कर सकते हैं। तो दवाइयों के ज़रिए या ग्राफ्टिंग के ज़रिए आखिरकार हम हर तरह के विटलिगो को ठीक कर देते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम हो तो विजिट कीजिए, या फिर अगर आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, आप नहीं आ सकते हैं, तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कीजिए अपनी प्रॉब्लम के बारे में और उसकी फोटोग्राफ्स भेजिए।